देखो घर भी आ गया। आ रही हूँ, आ रही हूँ। आ जाओ तो प्राग, संभल के। बेटा कहाँ रह गए थे तुम लोग? इसे क्या हो गया बेटा, ठीक तो है? अम्मी वहां निकलने से पहले इंजेक्शन लगाया, उसी का ही असर है। अंदर चलो चलो। हाय मेरे अल्लाह, मैंने जरूरत की हर चीज तुम्हारे कमरे में रखवा दी है बेटा, क्या हो गया ये? हाय मेरी बच्ची। बेटा पूरी रात ही ऐसे ही सोती रहेगी क्या मेरी बच्ची? सोना बेहतर है अम्मी, सोना बेहतर है। इतना बड़ा सदमा कैसे सहेगी? परेशान मत हो, अल्लाह मदद करेगा। देखो तुम हो ना इसके पास, मुझसे भी जो कुछ हो सकेगा मैं करूंगी। हाँ मिस्टर बुलेंद की कॉल आई थी, वो आए। मैं तो उस आदमी को अंदर बिठा कर भूल ही गई, वो कब से आया हुआ है? वेलकम मिस्टर बुलेंद, माजरत चाहता हूँ इंतजार करवाया। कोई बात नहीं मिस्टर चनार, मैं अभी पहुंचा हूँ। तशरीफ रखिए। इजाजत हो तो सीधा पॉइंट की तरफ आता हूं। जैसे कि आपको पता है कि आज का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत भारी है। मेरी बीवी की बहन का इंतकाल हो गया। वो सिर्फ उसके लिए एक बहन नहीं थी बल्कि एक मां की तरह भी थी। और सिर्फ ये बात नहीं है कि वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन उसकी मौत एक दर्दनाक हादसे में हुई और तोपराग के जहन में यह हादसा सवार है। और फ्रैंकली मुझे उसके बारे में बहुत फिक्र है। मैं समझ रहा हूं मिस्टर चनार, आपके आने से पहले मिसेज इकबाल से बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि आपकी वाइफ के एक अजीज का एक साल पहले इंतकाल हुआ है। जी उस वक्त भी वो बहुत ज्यादा शौक में गई थी। दरअसल देखा जाए तो वो अभी तक उस सदमे से नहीं निकली थी।
और उस वक्त भी उसके साथ उसकी इमोशनल सपोर्ट के लिए उसकी बहन हवा ही थी। तौबा बिस्मिल्लाह। इससे पहले कि वो दिमाग पर इस बात का और ज्यादा असर ले लें, मैं फौरी तौर पर मिसेस तोपराक से बात करना चाहूंगा। उनका गम इस वक्त बहुत ताजा है, इसी वजह से उन्होंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया है। मुझसे भी? खास तौर पर अपने करीबी लोगों से। उनके लिए उनकी बहन की याद दिलाने वाली हर चीज तकलीफ दे है, जिसकी वजह से वो सबसे लाताल्लुक होकर बैठ गई हैं। ठीक है, मुझे बताइए मैं किस तरह मदद कर सकता हूँ। उसका गम, उसका दर्द मैं किस तरह कम कर सकता हूँ? सब्र करना होगा। सो रही है बेटा? ठीक है ठीक है, सोने दो। बेटा मैंने सूप बनाया है तुम्हारे लिए, गरम गरम पी लो ताकि तुम्हें भी ताकत मिले। बेटा हम किचन ही में होंगे ना, कहीं दूर तो नहीं जा रहे। वो आ भी करेगी तो हम सुन लेंगे। चलो मेरे बच्चे, चलो आ जाओ, आओ। अम्मी, जब भी उसकी आंखें खुलती हैं मुझे उनमें वही गम नजर आता है। इस तरह मैं पागल हो जाऊंगा अम्मी। मैं उसके पास हूं लेकिन क्या उसे एहसास है? अम्मी हम किस कदर बेबस होते हैं। हाय, क्या मैं नहीं जानती बेटा, उसकी ये हालत और उसका ये गम तुम्हें भी जला रहा है। फूंक मारकर बुझाना चाहोगे तो ये आग और भड़क जाएगी। क्या कर सकते हैं बेटा सिवाय सब्र के? अल्लाह से भी फरियाद करनी होगी, अपनी बीवी के लिए भी और अपने लिए भी तुम्हें दुआ करनी चाहिए। उसके अलावा और क्या चाह रहा है? तुम्हारी माँ ने ठीक कहा, तुम्हें देखे बगैर और ताजियत किए बगैर मुझे सुकून नहीं मिलता। शुक्रिया। किसी चीज की जरूरत है तुम्हें? नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। आपने आकर बिला वजह जहमत की। तुम्हारी मां की कही हुई बातें मैंने सुन ली। अपनी जान से प्यारी चीज को खोना किस कदर तकलीफ दे है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। इसलिए अपनी बीवी को तनहा मत छोड़ो। वो कुछ भी कहे कुछ भी करे ध्यान मत दो, उसे खुश रखो। ऐसे वक्त में इंसान हमेशा अपनों की मोहब्बत चाहता है। मोहब्बत करने वाले हस्ती को खो देना सबसे बड़ा इम्तिहान है। तनकीद किए बगैर एक दूसरे का सहारा बनो तो और ज्यादा मजबूत हो जाओगे। इंशाल्लाह मिस्टर नजीब, इंशाल्लाह। अब मैं चलता हूं। किसी भी चीज की जरूरत हो तो फोन कर सकते हो। मैं मिस्टर नजीब को सी ऑफ करके आती हूं बेटा।
जो दीवार खड़ी है हमारे दरमियान वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। इसके अलावा ये हदें पार करके उसे अपना बेटा कहने से भी डरता हूँ, कहीं वो मुझे छोड़ के ना चला जाए। मिस्टर नजीब, कुछ देर पहले आपने ही ये कहा था ना कि हम उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, सब्र करना होगा। कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा मिस्टर नजीब। मैंने अपनी तमाम उम्मीदें खत्म कर दी हैं। मेरी इल्तिजा है अल्लाह मेरे बेटे की तमाम मुश्किलात दूर करे। चले मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी मिस कर रही हो ना मेरी आपा को? मैं भी उदास हूं, मगर मेरी फिक्र मत करो, मैं जाऊंगी तो तुम्हें साथ ले जाऊंगी।